लिखेंगे राजस्थान के संभाग, जिले, तहसील, उप तहसील, उपखंड, इन सब पर नजर डालेंगे स्पेशल लेक्चर में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे संभाग की, डिवीजन की, कि राजस्थान में संभाग व्यवस्था कैसी हुई। और तो देखते हैं संभाग राजस्थान में, तो सबसे पहले बात करें संभाग की, तो राजस्थान का जब एकीकरण 7 स्टेट में पूरा हुआ तो उसके बाद संभाग थे राजस्थान में। लेकिन 1962 में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इस व्यवस्था को बंद कर दिया। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने जो संभागीय व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, व्यवस्था को समाप्त कर दिया। संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने। फिर उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1987 में हरदेव जोशी की सरकार ने से फिर से शुरू कर दिया। संभागीय डिवीजनल डिवीजन्स को दोबारा से शुरू कर दिया, दोबारा से इस व्यवस्था को शुरू कर दिया हरिदेव जोशी की सरकार ने। उस टाइम राजस्थान में कितने संभाग थे, उस टाइम राजस्थान में 6 संभाग के साथ हरिदेव जोशी सरकार ने से पुनः शुरुआत की। संभाग के साथ पुनः शुरू किया डिवीजन व्यवस्था को 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने समाप्त कर दिया था। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी की सरकार ने डिवीजन व्यवस्था को 6 संभागों के साथ उन्हें शुरू किया गया। तो 6 संभाग कौन कौन से थे, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग और कोटा संभाग। कोटा संभाग 6 संभागों के साथ पुनः शुरुआत करी। लेकिन वर्तमान की बात करें तो राजस्थान में कितने संभाग हैं, वर्तमान की बात करें तो राजस्थान में 7 संभाग हैं। तो देखते 7वां संभाग हमारा कब बना। तो 7वां संभाग हमारा है भरतपुर। भरतपुर को कब बनाया गया, 4 जून 2005 को एक नोटिफिकेशन के द्वारा भरतपुर को सातवां संभाग बनाया गया।
सातवां संभाग भरतपुर बना, सातवां संभाग कौन बना, भरतपुर सातवां संभाग बना राजस्थान में। तो प्रेजेंट में राजस्थान में कितने संभाग हैं, वर्तमान में कितने हैं संभाग, कितने हैं, सात संभाग हैं। अब इन संभागों के अंदर कौन कौन से जिले हैं इस पर बात करेंगे अपन। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं, सात संभाग हैं। इनके बारे में पता लग गया संभागीय व्यवस्था कैसे शुरू हुई और कैसे एक बार खत्म हुई और फिर दोबारा से शुरू की गई छह संभागों के साथ। फिर सातवां संभाग हमारा भरतपुर बना। तो अपन देखते हैं कि इन संभागों में कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे नॉर्थ से। तो सबसे पहला संभाग अपन नॉर्थ में बात करेंगे बीकानेर संभाग की, बीकानेर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में चार जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सबसे उत्तरी संभाग है राजस्थान का उत्तरी संभाग, नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ राजस्थान, नॉर्दर्न डिवीजन है राजस्थान का, चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से राजस्थान के, सॉरी बीकानेर संभाग के। तो पहला है बीकानेर खुद, बीकानेर, यहाँ बीकानेर हमारा। बीकानेर दूसरा श्रीगंगानगर, 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 ये चौथा हनुमानगढ़, तीसरा हनुमानगढ़, और आखिरी चूरू, आखिरी चूरू। ये चार बीकानेर संभाग के डिस्ट्रिक्ट हैं, ये हनुमानगढ़, ये श्रीगंगानगर, ये हनुमानगढ़, ये चूरू, ये बीकानेर संभाग, चार डिस्ट्रिक्ट, नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ राजस्थान। उसके बाद बात करेंगे अपन जोधपुर संभाग की। जोधपुर डिवीजन की जोधपुर डिवीजन में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स तो देखते हैं। पहला जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, जालौर, सिरोही, और ये पाली, ये सब जोधपुर के अंदर आते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और आपका सिरोही और ये पाली और खुद जोधपुर। तो हमने जब पाली को घेरने वाले जो पाली की सीमा लगती है उन आठ जिलों से, उसमें पढ़ा था कि पाली को जोधपुर संभाग के सभी जिले टच करते हैं जैसलमेर को छोड़कर। तो देखो दोबारा से अपन देख लेते हैं, सिरोही जिलों, सिरोही पाली को लगता है, जालौर पाली को लगता है, बाड़मेर पाली को लगता है, इधर जोधपुर पाली को लगता है। तो यहाँ से भी अपन इसको निकाल सकते हैं, पाली सभी से अपन जोधपुर के सारे संभाग डिस्ट्रिक्ट को याद कर सकते हैं।
तो जोधपुर संभाग के कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट में, दो चार और एक छह, दो छह, टोटल छह डिस्ट्रिक्ट हुए, छह जिले जोधपुर संभाग में। ये वेस्टर्न है, पश्चिमी संभाग है राजस्थान का, वेस्टर्न डिवीजन ऑफ राजस्थान, कॉमन सी बात है। छह डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर संभाग में, और जोधपुर संभाग के बारे में बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, संभाग है, लार्जेस्ट डिवीजन इन टर्म ऑफ एरिया में ये सबसे बड़ा डिवीजन है, संभाग है। ये जोधपुर संभाग की बात, अपन आगे देखेंगे अजमेर संभाग को। अब देखते हैं अजमेर संभाग, अजमेर डिवीजन, अजमेर डिवीजन में कौन कौन से हैं, हमने पहले पढ़ा था पाली से लगने वाले जिले, उसमें अपन याद करेंगे ऐसे करके, कुछ नागौर था, ये अजमेर था, ये राजसमंद, फिर उदयपुर, ऐसे था यहां पर। तो अपन को यहां से याद होगा ये अजमेर, ये नागौर, ये अजमेर हो गया, नागौर हो गया, दो हो गए, एक यहां से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा भी अजमेर में, और आखिरी इधर कहीं ये भीलवाड़ा, ऐसे कहीं भीलवाड़ा, अजमेर डिवीजन में बात करी अपन ने, अजमेर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं देख लेते, चार डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से हैं, नागौर, अजमेर, इधर भीलवाड़ा और ये आपका टोंक, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आपका टोंक, चार डिस्ट्रिक्ट हो गए, कौन कौन से हो गए, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर, ये सबसे ये बीच का है, ये मिडिल में स्थित है राजस्थान के, मिडिल ईस्ट, मिड में स्थित है राजस्थान के, मिड ईस्ट डिवीजन ऑफ राजस्थान, मिड ईस्ट डिवीजन ऑफ राजस्थान है ये। अब अपन बात करेंगे उदयपुर संभाग की, उदयपुर संभाग, उदयपुर डिवीजन, उदयपुर डिवीजन, उदयपुर डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, चलिए देख लेते हैं। ये हमारा उदयपुर है, उदयपुर, दूसरा राजसमंद, तीसरा डूंगरपुर, डूंगरपुर
बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और ये चित्तौड़। तो उदयपुर संभाग की बात करें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। उदयपुर में, उदयपुर संभाग, उदयपुर के बाद हमने पहले भी याद किया था जब पाली को याद करते हुए, तो उदयपुर के दो लगते थे, राजसमंद, उदयपुर। उसके नीचे वाले जस्ट दोनों संभाग हैं डूंगर, उदयपुर, राजसमंद, राजू से याद किया था, राजसमंद। राजसमंद और उदयपुर राजसमंद राजू से याद किया था। उसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा को एक साथ याद कर सकते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा को एक साथ याद कर सकते हैं और दो और बच्चे वो हैं प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ और चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ इसको अपन एक साथ याद कर सकते हैं। राजू से राजसमंद और उदयपुर याद किया, डूंगरपुर बांसवाड़ा याद रहते हैं, दोनों साथ के जिले हैं, और प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ भी दोनों ऊपर नीचे के जिले हैं। ये चित्तौड़, ये प्रतापगढ़, उसको याद करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा सबसे साउथर्न है, साउथर्न डिवीजन है राजस्थान का, साउथर्न डिवीजन राजस्थान का। अब बात करेंगे अपन कोटा की। कोटा डिवीजन की कोटा डिवीजन ये आपका कोटा डिवीजन है। ये कोटा डिवीजन आपका, ये कोटा, ये बूंदी, ये बारा और ये झालावाड़, ये सब ये जिले तो हमें याद ही होनी चाहिए क्योंकि ये पहले भी पढ़ाया जब बाउंड्री पढ़ाई थी राजस्थान की, तो कोटा, बारा, झालावाड़ ये तीनों जिले जो कोटा संभाग के बाउंड्री पर लगते हैं। सिर्फ बूंदी जो है कि बीच में लगता है, लैंडलॉक है, पहले भी बताया था। तो कोटा में सिर्फ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ बहुत आसानी से 4 डिस्ट्रिक्ट में। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से हैं? कोटा है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। बस ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं कोटा संभाग में। अब अपन बात करते हैं भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग भरतपुर डिवीजन भरतपुर डिवीजन भरतपुर डिवीजन टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। पता है इनको कौन कौन से हैं? खुद भरतपुर है एक, तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? ये सबसे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, तो भरतपुर, धौलपुर,
पहले याद है हमने बाउंड्री पे देखा था इनको, भरतपुर धौलपुर, हमेशा ऐसे ही याद रखना है, दोनों साथ आते हैं भरतपुर धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर ऐसे याद रख लेते हैं इनको। और दो जो है करौली और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर ये सबसे न्यूएस्ट डिवीजन है राजस्थान का, और राजस्थान सबसे न्यूएस्ट है, सबसे नया संभाग है राजस्थान का। कब इसकी कब इसको बनाया गया ये आपने पहले देख लिया, फिर दोबारा से देख लेते हैं। 4 जून 2005 को एक नोटिफिकेशन के द्वारा इसे बनाया गया था। फिर अपन देखते हैं कि ये संभाग बनाया गया था तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है कहाँ कहाँ से लिए गए, तो अपन बात करेंगे ये भरतपुर धौलपुर कहाँ से लिए गए, दोनों भरतपुर धौलपुर दोनों जयपुर संभाग से लिए गए, जयपुर संभाग से दोनों लिए गए, भरतपुर धौलपुर जयपुर संभाग से लिए गए, और करौली और सवाई माधोपुर दोनों कोटा संभाग से लिए गए, करौली और सवाई माधोपुर दोनों कोटा संभाग से लिए गए। तो याद रहेगा अपन को भरतपुर धौलपुर जयपुर संभाग से और करौली सवाई माधोपुर कोटा संभाग से, कहने का मतलब है भरतपुर धौलपुर जयपुर से ज्यादा पास है तो जयपुर संभाग में थे, कोटा पे करौली और सवाई माधोपुर कोटा में ज्यादा पास है, कोटा से ज्यादा पास है तो पहले कोटा संभाग में थे, ऐसे याद कर सकते इसको। तो ये बहुत जरूरी था कि भरतपुर कौन से और धौलपुर कौन से संभाग से लिया गया है, जयपुर से लिया गया, और करौली और सवाई माधोपुर दोनों जिले कौन से संभाग से लिए, कोटा संभाग से। तो ये भरतपुर संभाग के बारे में। अब लास्ट और आखिरी हमारा संभाग बचता है वो है जयपुर संभाग, जयपुर संभाग, जयपुर संभाग। हाँ, भरतपुर संभाग कुछ दो तीन बातें और हैं, ये एरिया में सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ राजस्थान, स्मॉलेस्ट डिवीजन भी है राजस्थान का, ऑफ राजस्थान जयपुर डिवीजन। जयपुर डिवीजन में कितने जिले आते हैं, ये हमारा जयपुर, जयपुर से अगर अपन सीमा पे, पहले हमने पढ़ा है सीमा वाली बात है जो इंटरस्टेट बाउंड्री बनाती थी, चूरू के बाद कौन सा आता था, पहले ही पढ़ा था मैंने, झुंझुनू आता था, झुंझुनू। उसके बाद हमें पता है शेखावटी का एक और डिस्ट्रिक्ट है, शेखावटी का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सीकर, सीकर, सीकर के बाद ऑन द लाइन सेम लाइन पर है जयपुर, जयपुर के बाद फिर सेम लाइन बाउंड्री पर था जो अलवर था, अलवर के बाद सेम, उसके बाद दौसा बचा हुआ, दौसा। ये कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 5। जयपुर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट, कितने, 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जयपुर में संभाग में। कौन कौन से वो देख लेते हैं, ऐसे याद करते हैं जो अपन ने बाउंड्री से याद किए थे, झुंझुनू और सीकर एक साथ, जयपुर और अलवर, एक साथ, और बचा हुआ दौसा। तो ये हुए हमारे, और इसके बारे में जयपुर संभाग के बारे में, ये सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ राजस्थान, डिवीजन ऑफ राजस्थान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, पॉपुलेशन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जयपुर, सबसे बड़ा एरिया वाइज जोधपुर, सबसे छोटा भरतपुर। तो ये रहा हमारी संभाग की बातें, अब हम देखेंगे अब डिस्ट्रिक्ट की बातें कि राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं,
राजस्थान में कुल टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 33, वर्तमान में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में। कुल टोटल डिस्ट्रिक्ट, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में कितने हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन ये शुरुआत में 33 नहीं थे, धीरे धीरे बढ़े। तो जब राजस्थान का ये एकीकरण हुआ, सेवंथ स्टेप था जब राजस्थान के एकीकरण का, सेवंथ स्टेप था, कौन सा टाइम था तब? 1 नवंबर 1956 को आखिरी स्टेप था राजस्थान के यूनिफिकेशन का। तब राजस्थान को एक और जिला मिला, वो था राजस्थान का 26वां जिला था राजस्थान का, कौन सा? 26 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान कौन सा था? अजमेर, अजमेर 26 डिस्ट्रिक्ट था। तो हमें थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में लिख लेते हैं इसको, ये पता लगे हमें टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 33। तो 26वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा था राजस्थान का? डिस्ट्रिक्ट 26वां, 26, डेट ऑफ फॉर्मेशन, डेट ऑफ फॉर्मेशन और नेम, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कुल टोटल संख्या हमें बताइए, टोटल नंबर कितना था? 33, लेकिन पहले से 33 नहीं थे। 26 में कौन सा बना, डेट क्या थी उसको बनने का? 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना, अजमेर बना, याद रखने के लिए कई बार पूछी गई है। 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना, कौन सा बना? धौलपुर। फिर 28th डिस्ट्रिक्ट की बात करें अपन, 28th डिस्ट्रिक्ट की 10 अप्रैल 1991 में 29वें की बात करें, 10 अप्रैल सेम डेट दौसा, 30th सेम डेट, तीन डिस्ट्रिक्ट थे जो एक डेट को बने वो थे, और राजसमंद के बाद राजसमंद के बाद 31वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, क्या डेट थी? 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ 31वां जिला बना, हनुमानगढ़ 31वां। 32वां जिला कौन सा बना, ये 19 जुलाई को '57 में करौली बना, करौली। और 33rd और लास्ट जिला 33वां, फर्स्ट जिला, और ये 23वां जिला राजस्थान का कौन सा बना, 33वां सॉरी वो बना प्रतापगढ़, किस तारीख को बना? 26 जनवरी 2008 को, कौन सा बना? प्रतापगढ़।
प्रताप घर, ये कितने जने बने? अब देखते हैं, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। मतलब पहले कितने जने थे राजस्थान के? 25 जने थे राजस्थान के। तो 1 नवंबर 19 को अपन को 26वां जिला मिला राजस्थान का, अजमेर। इसको याद कर सकते हैं, अजमेर कब मिला अपन को? 1 नवंबर 1956 में अजमेर। इसको कैसे याद करते हैं कि ये लास्ट स्टेप था यूनिफिकेशन का, तो अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया। फिर उसके बाद 27वां जिला 15 अप्रैल 1982 में, 15 अप्रैल 1982 में धौलपुर को बनाया गया। फिर बात करेंगे 2 अप्रैल में बनाया गया, 15 और 10 पांच के फैक्टर है दोनों, 15 और 10 अप्रैल 82, 82 है, या एक बढ़ा दिया या एक घटा दिया, 1991 में 12 बनाया गया। तो 12 दौसा राजसमंद को कैसे याद कर सकते हैं अपन? बी डी आर से, बी डी आर से शॉर्ट फॉर्म बी डी आर। तो ये इसी सिक्वेंस में बने, 12 दौसा राजसमंद, पहले 12 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, फिर दौसा, फिर राजसमंद, राजसमंद के लिए, मतलब कह सकते हैं एक साथ ही हुआ होगा। तो 10 अप्रैल 1991 में ये तीनों राज्य बनाए गए। उसके बाद हनुमानगढ़ और करौली, इन दोनों में एक रिलेशन है। तो करौली माता का मंदिर है करौली में, सॉरी करौली में जो झील में जो मंदिर है वो हनुमानगढ़ है, जो वो अपन कैसे आ सकते हैं, 31 डिस्ट्रिक्ट है। तो 31 हनुमानगढ़ का आरटीओ नंबर है 31, तो 31 में जरा सीधा अपन याद कैसे याद कर सकते हैं, 31 से आरटीओ नंबर है 31 राजस्थान का। 23rd करौली 94 में, 97 में, और 33rd 26 जनवरी 2008 में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा। तो अपन बात करते हैं प्रतापगढ़ के बारे में थोड़ा, कि प्रतापगढ़ कब बनाया है तो देख लेते हैं, लेकिन किस किस तहसील से बना, मिलके बना, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से तहसील लिए गए प्रतापगढ़ को बनाने के लिए। तो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा राजस्थान का? प्रतापगढ़। राजस्थान का न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? प्रतापगढ़। उसके बारे में बात कर रहा हूँ, प्रतापगढ़ राजस्थान का कौन सा न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है? न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सबसे नया जिला प्रतापगढ़। फिर उसके बाद प्रतापगढ़ बना तो था, कब बना था? 26 जनवरी 2008 में। लेकिन बनाया कैसे गया, कहाँ कहाँ से, इसके लिए कौन कौन सी तहसील ली गई, ये बात करते हैं। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले कौन कहाँ कहाँ से ली गई। इसके लिए उदयपुर से ली गई एक तहसील, प्रतापगढ़ है पास में है, तो उदयपुर से एक तहसील ले ली गई, ये तहसील एक उदयपुर से उठा ली गई, एक तहसील उदयपुर से ली गई। चित्तौड़ प्रतापगढ़ के पास में है, तो चित्तौड़गढ़ से 3 तहसील ली गई। तो मेनली किसका पार्ट है प्रतापगढ़, किस जिले में से बनाया गया, तो पूछे तो कि चित्तौड़गढ़ में से, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से 3 तहसील ली गई। और फिर उसके बाद बांसवाड़ा में से 1 तहसील ली गई, बांसवाड़ा में से 1 तहसील गई, बांसवाड़ा में से 1 तहसील ली गई, 1 तहसील कहां से ली गई? बांसवाड़ा में से। तो उदयपुर से कौन सी तहसील ली गई? धारियाबाद करके तहसील थी, उसको प्रतापगढ़ में जोड़ दिया गया। बांसवाड़ा से कैसे याद कर सकते हैं, कौन सी तहसील ली गई? पीपल खूंट को कहां से लिया गया तहसील को? तो उसमें कितनी तहसील हुई प्रतापगढ़ में? टोटल तहसील कितनी है? 5 तहसीलें हैं प्रतापगढ़ में, 5 तहसील में से एक बांसवाड़ा से पीपलकूट। बांस और पीपल दोनों ऐसे याद कर सकते हैं, बांस दोनों पेड़ हैं, दोनों पेड़ों के नाम आ रहे हैं। तो बांसवाड़ा से पीपलकूट लिया गया बांस, और चित्तौड़गढ़ से 3 ली गई। 3 कौन सी थी?
तीन थी, कोई सत्तो? हाँ, चित्तौड़ से पहले ले गई थी प्रतापगढ़, दूसरी ले गई छोटी सागरी, छोटी सातवी और एक अर्नौत, ये चार तीन तहसील चित्तौड़गढ़ से। तो ये रही प्रतापगढ़ की बातें, ये डिस्ट्रिक्ट पूरे हुए वर्तमान स्थिति। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, कितनी तहसील हैं और कितनी उप तहसील हैं, कितने उपखंड हैं, ये सब देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया कि डिवीजन, टोटल डिवीजन कितने हैं राजस्थान में। तो टोटल डिवीजन, टोटल संभाग की संख्या पता ही अपन को, डिवीजन संभाग, टोटल संभाग कितने हैं, सात संभाग। टोटल जिलों की संख्या 33, डिस्ट्रिक्ट की संख्या, टोटल डिस्ट्रिक्ट जिले, जिलों की संख्या 33 पढ़ लिया हमने। 33 राज्यों की कैसा गठन हुआ राजस्थान में, के 33 जिलों का। उसके बाद अपन देखेंगे डिस्ट्रिक्ट से छोटा सब डिस्ट्रिक्ट होता है, सॉरी सब डिवीजन होता है, सब डिवीजन, उपखंड, उपखंड की संख्या कितनी है राजस्थान में, उपखंड, उपखंड की संख्या है राजस्थान में 279 उपखंड है राजस्थान में। इसके बाद उपखंड को कई तहसीलों में बांटा जाता है, तो टोटल तहसीलों की संख्या, तहसील, टोटल तहसील कितनी है राजस्थान में, 314 कुल तहसीलें हैं राजस्थान में। उसके बाद तहसील के बाद बात करेंगे अपन उप तहसील की, सब तहसील, उप तहसील राजस्थान में 189 उप तहसील राजस्थान में। उसके बाद बात करेंगे अपन, ये तो रही राजस्थान की प्रशासनिक दृष्टि से, वन बात करेंगे राजस्थान में नगर निगम, नगर निगम, कुल नगर निगम संभाग की संख्या उतना ही नगर निगम है राजस्थान में। फिर अपन देखेंगे नगर परिषद, नगर परिषद राजस्थान में, नगर परिषद कितनी है, 34 नगर परिषद है राजस्थान में कुल। इसके बाद अपन देखेंगे नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं राजस्थान में कुल नगर पालिकाएं कितनी है, 147 नगर पालिका। ये कई बार पूछ ले जाते सब कुछ, राजस्थान में कुल नगर निगमों की संख्या, नगर पालिकाओं की संख्या। उसके बाद देखेंगे अपन आखिर में राजस्थान में जिला परिषद कितनी, जिला परिषदें हैं, परिषद, टोटल जिला परिषद 33 राजस्थान में। तो ये राजस्थान की कुछ वर्तमान की बातें हैं। तो ये स्पेशल लेक्चर आज हम ये फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिनकी अपन व्याख्या करेंगे विस्तार से।